हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या क्या नए साइंस इस हथेली में हमें मिलते हैं। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे, फिंगर्स से लेंथ चेक करेंगे, उसके बाद माउंट्स देखेंगे और इस तरह से अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए। तो सबसे पहले फिंगर्स की लेंथ चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और लेंथ भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो जो अनामिका उंगली है वह थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही है। अगर हम कंपेयर करें तर्जनी से तो काफ़ी अच्छे आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी और साथ ही साथ आर्ट के प्रति लव होना इनका इनकी नेचर में रहेगा। और अगर यहाँ बात की जाए तर्जनी की तो तर्जनी भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, थिक है और स्ट्रेट है बिल्कुल। तो इनके अंदर क्वालिटीज़ का मिक्सचर रहेगा, यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होंगी और साथ साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होंगी। और फिंगर्स के ऊपर खड़ी लाइनें इनके हाथ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की। तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहेगी इनकी। और अगर बात करें मर्करी फिंगर की तो मर्करी फिंगर भी मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लगभग फर्स्ट फैलेंज को क्रॉस कर रही है और लंबाई में ठीक है, थोड़ी सी लो सेट है। अदरवाइज मर्करी फिंगर भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देने वाली है, यानी बिजनेस में भी और कम्युनिकेशन में भी इनको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती रहेगी मर्करी की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हुए माउंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्लोजअप लेना चाहूँगा ताकि माउंट्स क्लियरली दिखाई दे सकें हमें। तो यहाँ पर सारे के सारे माउंट्स अब क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मर्करी से ही शुरू करेंगे। मर्करी पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मर्करी लाइन पहुँच रही है, काफ़ी सीधी लाइन। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी फोकस्ड होते हैं जिनके माउंट के ऊपर एक क्लियर लाइन हो, तो यहाँ पर इनके हाथ पे ऐसा ही कुछ बन रहा है। काफ़ी क्लियर लाइन है और इसकी वजह से बिजनेस में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और बिजनेस करना इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। किसी भी तरह का ये बिजनेस करते हैं तो उसमें इनको आइडियाज़ अपने आप मिलते रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य माउंट हल्का सा मुझे यहाँ पर वीक नज़र आ रहा है, अदरवाइज सूर्य माउंट पर भी एक लाइन काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यह लाइन इनको जो फल देने वाली है वह लगभग लेटर एज में इनको मिलेगा, यानी अगर हम पूरा चेक करें तो यह ओल्ड एज यानी कि 58 के बाद की एज में ही यह लाइन इनको फल देने वाली है, यानी कि जो इनकी एक तरह से जो पहचान बनेगी अपने फील्ड में, बहुत अच्छी पहचान, रेपुटेशन जिसको कहते हैं, एक तरह से नाम होगा, वह लगभग ओल्ड एज में जाकर होना शुरू होगा। और आगे बात करते हैं शनि माउंट की। शनि माउंट काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही अच्छी लाइन सैटर्न लाइन यहाँ तक पहुँच रही है जो बहुत ही शुभ है। या इसकी वजह से व्यक्ति को पैसे की कमी कभी नहीं आती, पैसा लाइफ में कहीं ना कहीं से आता रहता है। अब बात करते हैं गुरु माउंट की, एक बार सारी लाइनों को मिटा रहा हूँ। यहाँ पर गुरु का जो माउंट है यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, लेकिन थोड़ी सी फिंगर लो सेट है जैसे कि हमने कंपेयर भी किया था, उसकी वजह से थोड़ी सी एक तरह से कमी रह सकती है गुरु की तरफ से। अदरवाइज माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है और एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ तक पहुँच रही है, आप देख सकते हैं। प्रोग्रेस लाइन का इसके ऊपर पहुँचना मींस जो व्यक्ति होता है उसको सारी ज़िंदगी प्रोग्रेस लाइफ में मिलती रहती है। अगर प्रोग्रेस की कोई भी एक लाइन लाइफ लाइन से निकल कर बृहस्पति तक पहुंच जाए, तो इस तरह की कुछ लाइंस इनकी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। माउंट्स तकरीबन सारे अच्छे हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव माउंट यहाँ पर इनके हाथ में नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइंस को चेक करेंगे। एक बार सारी लाइनों को मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा साइज को डिक्रीज करना चाहूँगा ताकि कंप्लीट लाइन हमें दिखाई दे सके। तो यहाँ पर अब आप क्लियरली देख सकते हैं सारी की सारी लाइनें इनके हाथ की बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाली जो हार्ट की रेखा है किस तरह से किस फॉर्मेशन में चल रही है, साथ ही साथ ड्रॉ करता जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से चल रही है, बहुत ही क्लियर लाइन है और यहाँ पर एक तरह से विष्णु सिंबल बन रहा है और जो लाइन है वो बिल्कुल दोनों फिंगर्स के बीच में से शुरू हो रही है, यानी काफ़ी अच्छी लाइन। इसको मैं समझता हूँ विष्णु सिंबल बनना मीन्स लाइफ के शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे चलकर यह ऑस्पिशियस सिंबल होता है, काफ़ी बेनिफिट्स देता है और व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स जो होती हैं धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं और प्रोग्रेस बढ़ती जाती है।
और इनके हाथ में जो लाइन इनकी बन रही है बहुत ही क्लियर है, कोई भी आइलैंड जैसा कोई चिन्ह मुझे नज़र नहीं दिख आ रहा यहाँ पर। और लाइन में से सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो नेगेटिव मुझे दिखाई दे रही है, वो लाइन जिसको मैं अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ, यह सेटबैक की लाइन है जो लगभग मिडल एज से भी बाद में 45 के आसपास की एज में एक लाइन मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको रह सकती है। अदरवाइज हार्ट की लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो हल्की हल्के दो तीन ऑफशूट्स दिखाई दे रहे हैं, यह भी थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं। जैसे यह एक लाइन मंगल की तरफ चली, थोड़ा एग्रेशन को बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर यह लाइन ज़्यादा डीप नहीं है, मंगल तक नहीं पहुँच रही, सिर्फ इशारा कर रही है उस तरफ, तो थोड़ा सा अग्रेशन इनकी लाइफ में रह सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफ़ी सीधी और स्ट्रेट है और लगभग हथेली के आर पार पहुँच रही है, तो बहुत ही शार्प माइंड। और यहाँ पर शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत है, जो एक इतना से थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, जो लगभग 16 और 17 की एज में इनको कुछ दिक्कत रही होगी, इमोशनल सेटबैक मिला होगा। उसके बाद की जो लाइन है इतनी स्ट्रेट है कि लगभग हथेली के आर पार पहुँच रही है, तो कह सकते हो बहुत ही शार्प माइंड है इनका, और इसकी वजह से ये स्टडीज़ में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा। बेशक इन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्रीज एंड डिप्लोमास ना किए हों, लेकिन माइंड इतना शार्प है कि अगर ये PhD तक की पढ़ाई भी करना चाहें तो वह भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए इनकी लाइफ लाइन को चेक करते हैं। लाइफ लाइन पर मुझे कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3 या 4 जगह से लाइफ लाइन कट रही है और कुछ स्ट्रेस मार्क्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सर्कल किया, लाइन में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है, जो लगभग 20s की एज में दिखाई दे रहा है, अर्ली 20s, तो थोड़ी सी थोड़ा सा स्ट्रेस 20 से लेकर 23-24 वर्ष की आयु तक इनको रहा होगा। उसके बाद जो कुछ स्ट्रेस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 के आसपास, और यहाँ पर जो एक मेजर स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, बड़ी लाइन जिसको हम कह सकते हैं वीनस की तरफ से चलती हुई और लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, तो यह जो स्ट्रेस रहा होगा इनकी लाइफ में 30 के आसपास, 30 से 32 वर्ष की आयु में इनको एक मेजर स्ट्रेस मिला होगा। अदरवाइज लाइन का जो फ्लो है आगे की तरफ अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस की वजह से कोई भी बड़ा नुकसान होता हो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, स्ट्रेस जरूर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी स्ट्रेस लाइन्स आगे भी लाइफ लाइन को टच कर रही हैं, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लाइनें हैं जो आगे की एज में भी थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं, लेकिन 40 के बाद की एज में कोई भी स्ट्रेस लाइन नहीं है, तो आगे की एज काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चलिए कुछ सारे इन स्ट्रेस मार्क्स को मिटाकर आगे देखते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन की मैंने बात की थी, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन, और उसके बाद अगर बात की जाए तो लाइफ जो इनकी रहेगी यहाँ तक बहुत स्मूथ चलने वाली है, लेकिन आगे चलकर लाइफ की लाइन चंद्र की तरफ बढ़ रही है, यानी कि फॉरन जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो लगभग यह जो एज रहेगी इनकी 55 के आसपास की एज तक, यह कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी लाइफ जिसको हम कह सकते हैं स्पेंड करेंगे। उसके बाद लाइफ लाइन कुछ इस तरह के रास्ते में चल रही है कि व्यक्ति अपने घर से दूर हो सकता है, यानी कि सेटलमेंट जो होती है फॉरन में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसकी वजह से, और लाइफ लाइन वापस नहीं मुड़ रही और कुछ इस तरह से बाहर की तरफ निकल गई है, मून तक पहुंच गई है। तो साथ ही साथ अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन चंद्र एरिया के ऊपर जो शो करती है कि डिज़ायर ऑफ गोइंग अब्रॉड, यानी विदेश जाने की इच्छा इनके मन में काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और हो सकता है अभी भी या कुछ ट्राई कर रहे हों विदेश जाने के लिए, लेकिन बताना चाहूँगा कि जो चांसेस ब्राइट चांसेस बन रहे हैं वह थोड़ी सी आगे की एज में बन रहे हैं सेटलमेंट के, जा ये पहले भी सकते हैं विदेश, लेकिन जो सेटलमेंट होने के चांसेस हैं वह ओल्ड एज में जाकर बन रहे हैं, और काफ़ी सारे साल अपनी लाइफ के लगभग 30 साल जिसको मैं कह सकता हूँ 25 से 30, यानी टोटल इनकी एज यहाँ पर 75 से 80 के आसपास की नज़र आ रही है, तो टोटल जो इनकी एज रहेगी वह 75 से 80 के आसपास की रहेगी, और उसमें से 25-30 वर्ष यह विदेश में स्पेंड कर सकते हैं, कुछ इस तरह के योग इनके हाथ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए इनकी फेट की लाइन की, तो फेट की लाइन लगभग नीचे से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप करूँगा,
यहाँ पर तीन से चार मणिबद्ध रेखाएं दिखाई दे रही हैं जो काफी लॉन्ग लाइफ को शो करती हैं, और यहाँ से जो फेट की लाइन है इनकी कुछ इस तरह से मणिबद्ध के पास से शुरू होकर सहारा लेकर ऊपर तक चढ़ती हुई नजर आ रही है मुझे, और यह इस तरह से चलती हुई लगभग सैटर्न के माउंट तक पहुंच रही है। और कुछ चेंजेस हैं इसमें, तो लगभग 36-35 की एज में जाकर यह कुछ प्रोफेशन में चेंज करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लाइन चलते हुए यहाँ आकर कुछ रास्ता बदल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो एक चेंज हुआ है रास्ता कुछ इस तरह से हुआ है कि 35 से 36 की एज में इनकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा, और यहाँ पर चलकर यह हो सकता है विदेश की तरफ मूव करें या इंडिया में रहते हुए कोई ना कोई प्रोफेशन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद ही कुछ चेंज नज़र आ रहा है, उसके बाद काफ़ी स्मूथ लाइन है, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इनके तरक्की के। तो काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर मुझे यह नज़र आ रही है। तो काफ़ी सारे शुभ चिन्ह थे इनके हाथों में और कुछ स्ट्रेस लाइंस भी थी, अदरवाइज इनकी लाइंस बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम वाली लाइन या कोई ऐसा मार्क मुझे इनके हाथ में नहीं दिखाई दिया, तो काफ़ी स्मूथ लाइफ इनकी रहेगी। ट्रैवलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तरक्की के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत शार्प माइंड इनका यहाँ से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में मेरी तरफ से। मैंने कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह इनके हाथ में जो दिखाई दे रहे हैं उनको डिस्कस करूं इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर कुछ चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके। और इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज़ जो इस वीडियो में मैं ना बता पाया हूँ, कोई इनका क्वेश्चन जो रह गया हो, वह मुझे इसी ईमेल आईडी पे, जिससे मैं इनको लिंक सेंड कर रहा हूँ वीडियो का, इसी ईमेल आईडी पे मुझे रिवर्ट बैक करें ताकि इनके क्वेश्चंस के आंसर मैं इजीली इनको दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।